नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी आपके लिए लेकर आया है बेहद खास शो, जहां हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी से जुड़े आपके हक और आपके अधिकार क्या है। तो ये शो है द इंडियन प्रॉपर्टी बाजार। दरअसल जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, प्रोजेक्ट कैसा है और उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बिल्डर कितना बड़ा है। इस नाम और इस अच्छे प्रोजेक्ट के चलते हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो डूब जाती है, यानी कि वो बिल्डर उसको हड़प लेता है या कुछ इस तरह के हालात बन जाते हैं कि ना बिल्डर के हाथ कुछ बचता है ना ही खरीदार अपना घर ले पाता है। और फिर शुरुआत होती है चौराहों पर प्रोटेस्ट की, एक लंबी लड़ाई की, लेकिन उससे हासिल क्या होता है ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। खैर, आज से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं और मेरे साथ हमारे जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं एडवोकेट जगदीप शौरान जी। शौरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर द इंडियन प्रॉपर्टी बाजार, जहां पर प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हम अपने जितने भी दर्शक हैं उन तक आएंगे और उनके सवाल भी धीरे धीरे करके लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेते हुए कई तरह की गलतियां कर देते हैं। तो कानूनी तौर पर अगर हम बहुत आसान सी भाषा में अगर उनको समझाने की यहाँ इस शो के जरिए कोशिश करेंगे, आपके साथ मिलकर एक कोशिश हम यहाँ पर करेंगे रिपोर्टर जी के प्लेटफॉर्म पर, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है, हम जो शुरुआत अफोर्डेबल से करते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल में जो पैसा लगाता है वो एक आम आदमी है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, एक एक पैसा अपना पेट काट काट के वो बचाता है। और कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जिनकी अच्छी किस्मत है उन्हें फ्लैट, उनको आशियाना, उनको अपना घर मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर होते हैं। तो किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप किसी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट पर उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसमें पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो राज जी, मैं आपको बधाई देता हूँ आपके इस चैनल के लिए और ये जो नया कार्यक्रम आपने लोगों के लिए शुरू किया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे और ख़ासकर उन लोगों तक जो अपनी ज़िंदगी भर की एक कमाई अपने आशियाने को ख़रीदने के लिए लगाते हैं। आजकल रोज़ाना देखने को मिलता है लोग चौराहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसमें ये नहीं कहा जा सकता कोई सरकार की कमी है या बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, इसमें लोगों की भी कुछ कमियाँ हैं जिसको डिस्कस करना, जिसके ऊपर में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आशियाना ख़रीदने में भाई साहब सारी ज़िंदगी की कमाई इसमें लग जाती है। तो लोगों को बहुत ज़रूरी है कि उन स्टेप्स को, उन चीज़ों को लिए वो अवेयर हों कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। सर्वप्रथम तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ किस बिल्डर के साथ जाएँ जो कि वो आशियाना मिलने की गारंटी सी बन पाए। सबसे ज़्यादा आपने बात की अफोर्डेबल हाउसिंग की, 2013 में ये पॉलिसी लॉन्च की सरकार ने। देखिए, हर शहर बड़ा होता जा रहा है और ये इकॉनमी हमारी देश की बढ़ रही है, गुड़गांव जैसा शहर अब मिलेनियम सिटी कहलाते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक डिमांड है जब लोगों का यहाँ पर, प्रवासी लोगों का जो रोज़गार के लिए यहाँ पर आना होता है, तो घर की एक डिमांड अपने आप में बढ़ती है। और जो मीडियोकर सेक्शन है, जो लोअर मिडिल क्लास का सेक्शन है, जिसे ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के थ्रू कैटर किया जा रहा था, बहुत अछी सुंदर पॉलिसी, मैं कहता हूँ 7 पेज की पॉलिसी है। अगर हर जो इन्वेस्टर है या जो अलॉटी है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए लेना, बिल्कुल वो इस 7 पेज को ज़रूर पढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ सावधानियाँ लोगों को लेनी होंगी। रियल एस्टेट को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि ये चीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज तो ये चीज़ आने वाले समय में इस वैल्यू पे पहुंच जाएगी, अरबों करोड़ों और पता नहीं क्या वो ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत है वो जानने की, जो बिल्डर इसे लॉन्च कर रहा है, जो बिल्डर ये प्रोजेक्ट लेके आया है, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या वो बाज़ार में नया है, क्या उसका कोई इतिहास है, कोई ऐसी चीज़ें हैं। और आज के दिन में तो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं रेरा में, जिनके पहला सबसे पहले आप बिल्डर की रेपुटेशन को अच्छे से खंगालिए जानिए, बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं, इसके लिए लीगल एक्सपर्ट्स हैं, रेरा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हम रिलाय कर लेते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं,
अच्छी बात है, वो बिज़नेस करते हैं और उसकी बातों को रिलाय करना बनता भी है क्योंकि मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है। बट सिर्फ आप वहीं रिलाय ना करें, क्योंकि होता क्या है, ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में कि एक ही डीलर है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बिल्डर का माल भी वही बेच रहा है, वो मकान वही बेच रहा है और वही इंश्योर कर रहा है कि मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, जिसमें कि बिल्डर उसे कमीशन दे रहा है। फ्रेश जो बुकिंग होती हैं, जो नए घर बुकिंग किए जाते हैं, वहाँ बिल्डर एक बहुत बड़ी रकम प्रॉपर्टी डीलर्स को पे करता है। तो सिर्फ ये सोच लेना कि एक ही आदमी जो दोनों तरफ से डील कर रहा है वो दोनों के भले में काम करेगा तो थोड़ा सा अटपटा सा है, एक बड़ी चैलेंज होता है। ये आपने एक अच्छी बात कही और ये सब ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम, क्योंकि जो प्रॉपर्टी लेने जब हम जा रहे होते हैं, आमतौर पर कोई छोटी छोटी चीज़ें भी लेनी होती है तो हम सलाह मशवरा करते हैं, तो आप किसी एक एक्सपर्ट के पास पहले जाइए, कोई जो रेरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि किसी और की इनकम आपने बढ़ानी है, लेकिन अगर करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का आप घर ले रहे हैं तो उसमें अगर कुछ छोटा सा 2-4-5 हज़ार रुपए, इतनी कंसल्टेशन कम बहुत और हो सकता है फ्री भी आपको सलाह मिलती है, तो आप वो ले लीजिए। आप बता देंगे कि इस बिल्डर के खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, इसकी रेपुटेशन मार्केट में क्या, वो आप बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रेरा की रेरा वेबसाइट पे, रेरा एक्ट में प्रावधान है कि जो बिल्डर्स जैसा काम, उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स वहाँ पे पब्लिश होती हैं और वेबसाइट्स पे अथॉरिटीज़ को भी वो रिपोर्ट्स डालनी होती हैं, जिससे कि आप जान पाते हैं कि कितने केसेस उनके खिलाफ हैं या क्या स्टेज पे प्रोजेक्ट चल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, ये भी हर जो अलॉटी या जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी गवर्न हो रही है DTCP डिपार्टमेंट से। आपको अपने कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को खुद भी देखना है और शिकायतें समय रहते DTCP डिपार्टमेंट को करनी है। अब तो उस पॉलिसी में और अमेंडमेंट हुए हैं और आज पॉलिसी कंस्ट्रक्शन लिंक बना दी गई है, जो जो लकुना इसमें था उसको मिटाया गया है कि अब पैसा बिल्डर सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक्ड जरिए से ले पाएगा कि आपका प्रोजेक्ट किस प्रोग्रेस तक पहुंच गया है, स्लैब वाइज कहां तक पहुंचा है, उसी हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। इससे पहले जो लकुना था अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का, वो 4 साल में आपको पैसा पे करना ही करना था, चाहे उसमें बिल्डर ने सिर्फ एक्सकवेशन किया है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, क्योंकि आपको बाध्य करती थी हर 6 महीने में आपको किस्त देनी है, लेट करेंगे तो पेनल्टी। लेकिन वहाँ वो लोग, इसमें जो जागरूक लोग थे जो DTCP डिपार्टमेंट तक पहुँचे कि जी आज मेरी तीसरी किस्त आ गई है, लेकिन आज तक वहाँ बिल्डर ने गड्ढा तक नहीं खोदा। तो ये सारी चीज़ें बड़ा बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस में आना कि DTCP डिपार्टमेंट की पॉलिसी है तो वो गवर्न भी कर रहे हैं, वो उस बिल्डर को पुश भी कर सकते हैं उस प्रोग्रेस तक आने के लिए, और वो आप एडवाइजरी भी इशू कर सकते हैं कि बिल्डर वो काम नहीं कर रहा है तो आप ये पैसा रोक सकते हैं। यानी कि दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि आप जो प्रोग्रेस है उस प्रोजेक्ट, उसको समय समय पर चेक करते रहें, खुद से दूसरे चेक को ऊपर ना डाल दें कि नहीं DTCP डिपार्टमेंट बैठा है, रेरा बैठा तो नहीं। बिल्कुल, देखिए क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, क्योंकि घर आपका है और आप साझेदार हैं उस प्रोजेक्ट में बिल्डर के साथ में, जहां आप पैसा दे रहे हैं, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिलीवर करने की। तो अचानक से 4 साल के बाद जागना और कहना कि प्रोजेक्ट नहीं बना और सरकारें ही जिम्मेदार हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो गड़बड़ है। देखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी नहीं निभाएंगे और सिर्फ सरकार पे छोड़ दें तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन ज़रूर है, सरकारों को भी सजग होना है कि जहां जो ख्वाब आप गरीब आदमी को दिखाते हैं, आप ये दिखाते हैं कि मेरी सरकार की उपलब्धियाँ इस तरीके की हैं कि मैं लोगों के आशियाने मुहैया करा रहा हूँ कम कीमत पर, तो वहाँ सरकारों की जवाबदेही भी बनती है कि वो आशियाने क्यों नहीं मिले। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको खासतौर से ध्यान रखना है जब आप अफोर्डेबल में आप जा रहे हैं। तो पहला आप रेपुटेशन जान लीजिए बेहद अच्छे से कि बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जो रेरा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक ओपिनियन उसके बारे में ले लीजिए। रेरा की आप साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको उस बिल्डर के बारे में भी बहुत सारी दूसरी जानकारियाँ मिल जाएगी। दूसरा आपको ये करना है कि जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्योंकि जब वो आपसे किस्त मांग रहा, पहली किस्त आपने दी, जब दूसरी किस्त का समय आया तो आप उसकी प्रोग्रेस देखिए कि वहाँ कुछ काम हो भी रहा है या वो वहीं पर रुका हुआ है, सिर्फ आपसे पैसा ही ले रहा है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टिप्स हैं जो दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि और 2-4 चीज़ें इसका भी ध्यान रखें 7 पन्नों में से? बिल्कुल, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को देखिए, बहुत ज़रूरी क्या है, वो जो पहली जो किस्त है वो तो 5% आप जान रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ में 5% आपको अमाउंट देना होता है।
20% की किश्त आती है जो पहली किश्त है जब अलॉटमेंट होगा, वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही बिल्डर रेज कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हमारे पास आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, हम देखते हैं लोगों ने 20% का जो अमाउंट है वो सिर्फ अलॉटमेंट करने से ही दे दिया। उन्होंने उस पॉलिसी के जो प्रावधान है उनको नहीं देखा कि बिल्डर वो 20% की किश्त जब ही मांग सकता है जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ गया है कि नहीं, और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद आपको 20% दे है। और क्यों यहाँ पर देखिए क्या है लकुना क्या है, इन्वायरमेंटल जो बात जो कर रहे हैं हम, लाइसेंस की उसकी बात कर रहे हैं कि उसके पास वो जो परमिशन आए, इसका मतलब लॉजिक क्या है, क्या इसी के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है? इसके बाद पॉलिसी ये कहती है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आने के बाद में ही कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट शुरू होगा। जो 4 साल का समय है वो आपके एप्लीकेशन भरने वाले समय से नहीं है, वो है जिस दिन आपको अलॉटमेंट हो रहा है, और आपको देखना है कि अलॉटमेंट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही हो रहा है। उससे पहले अगर बिल्डर उसे अलॉट करता है तो गलत कर रहा है, लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारे भी कुछ अपने राइट्स हैं जो हमें एक्सरसाइज उसी टाइम पर करने हैं। ये कहाँ पर चेक करेगा, अगर मुझे ये चेक करना हो गया एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो ले रखी है बिल्डर ने, मैं वो कहाँ जाके चेक करूँ? क्योंकि देखिए खरीदार होने के बातें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता इस बारे में, तो मैं कहाँ जाऊँगा? देखिए सबसे पहला है, बिल्डर जो है आपसे जो किश्त ले रहा है, पैसे देने वाले आप हो, जो पैसे का बोलबाला होता है, बिल्डर को अगर पैसा चाहिए तो आपके सवालों के जवाब देने होंगे, और वाजिब सवाल जब होगा तो वो उसे मुकर नहीं सकता है। आपका ये राइट है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को पहले देखें, उस कागज़ को डिमांड करें, उस जो बिल्डर ने डिमांड रेज की है अलॉटमेंट के टाइम पर, उसके साथ आप भी डिमांड करें कि मुझे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की कॉपी दी जाए। यानी कि जो मेल बिल्डर करता है आमतौर पर, जो किश्त जो लेनी होती है उसके लिए वो मेल करता, तो आप उसी के ऊपर एक रिवर्ट कीजिए, उसी से जवाब मांगिए कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है अगर आपने ले ली है तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी जो भी पर्ची होगी, चिट्ठी होगी, पत्र होगा, वो उसके साथ अटैच करके भेज दे और उसके बाद अपनी किश्त ले ले। तो यहाँ पर ये समस्या भी आपकी बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि बिल्डर ने अलॉटमेंट रेज कर दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आने से पहले, और अलॉटमेंट के साथ ही आपका जो वो जो 4 साल का पीरियड है, जो पेमेंट पीरियड है, वो टैसिटली वो स्टार्ट कर देता है कि अलॉटमेंट के 6 महीने बाद आपकी पहली किस्त आ जाएगी। तो और आपने वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं देखी, बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जहां की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अलॉटमेंट के 1 साल बाद आई, और जब आप रेरा में जाते हैं कि जी मेरे प्रोजेक्ट को तो 4 साल हो गया है और बिल्डर मुझे ये बिल्डिंग अभी तक नहीं दे रहा है, इस पर डिले पोजिशन इंटरेस्ट दिया जाए, तो रेरा अथॉरिटी भी देखिए कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बन जाते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद होना है। तो आपका 4 साल का पीरियड उसके बाद में है, आप जो पैसा दे रहे हैं वो प्री पेमेंट्स कर रहे हैं जो कि ड्यू होती ही नहीं है, जो ड्यू ही नहीं हुई है वो पैसा आप उसको दे रहे हैं, और एक लंबी लड़ाई फिर आपकी शुरू हो जाएगी और कानूनी पचड़े और ये सारी चीज़ें, और आप पैसा देते जा रहे हैं जबकि सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर अवेयरनेस है लोगों में, अगर लोग ये जानते हैं कि मेरे राइट्स क्या हैं, तो वो इस चीज़ों से बच पाएंगे, एटलीस्ट वो जो पैसा जो ड्रेन हो रहा है, जो पैसा आप बिल्डर को दे रहे हैं वो आप रोक पाएंगे, और वैलिड ग्राउंड्स पे रोक पाएंगे, जिससे ना तो वो आपका कैंसिलेशन कर पाएगा और ना ही आपको स्ट्रेस में ज़्यादा डाल पाएगा। क्योंकि पैसा जब जाता है आपका, तो आप कहीं ना कहीं से लोन उठाते हैं, EMIs देते हैं उसके ऊपर में, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो डिमांड की गई है क्या वो वाजिब है कि नहीं। नहीं, ये दोनों तीनों चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट है, और इनका तो आप खास ख्याल रखें, नहीं रखेंगे तो पैसा भाई सब डूब जाएगा आपका, और इसके लिए फिर आप किसी को दोष देते रहिए, उससे कुछ हासिल होना नहीं है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको, और जब खरीदार जा रहा है, इन तीनों बातों के अलावा जिसका वो खास और ध्यान? देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि लाइसेंसेस दिए जाते हैं, कुछ क्रेडिबिलिटीज़ तो गवर्नमेंट्स भी देख रही हैं, और लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर ये जो आपका आता है जहाँ सिर्फ रेरा लाइसेंस है, रेरा पे ही डिपेंडेंस है, सरकार का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, जो लग्जरी सेगमेंट या मीडियम पे सेगमेंट्स के जो घर हैं, वहाँ जो सबसे बड़ी एक दिक्कत सामने मैं बीच में रोक रहा हूँ, अभी लग्जरी पे हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि अभी अफोर्डेबल पे है। अच्छा, और मैं इसमें क्योंकि 2-3 सवाल और है मेरे इसमें अफोर्डेबल से लेकर ही, क्योंकि नियम बहुत अच्छे बनाए हैं उसमें, लेकिन अगर DTCP डिपार्टमेंट, कुछ इस तरह के मामले भी आए हैं, DTCP डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया जाता है, लेकिन अगर वहाँ उस डिपार्टमेंट से कुछ गलती हो जाए और बिल्डर जो है जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है वो ठीक नहीं है, और 1-2-3 साल बाद DTCP डिपार्टमेंट को ये नज़र आता है कि ये तो फर्जी दस्तावेज इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए थे और लाइसेंस को रद्द कर दिया, इसमें अब
कहाँ जाएगा, इसमें तो मर तो खरीदार गया जिसने करप्शन करप्शन को रोकना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और कानूनी प्रावधानों में उन लोगों को भी उसमें पार्टी बनाया जा सकता है जिन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से नहीं निभाया है। लेकिन हासिल नहीं है, जो अलॉटी है उसका राइट ये है कि उसे वो घर कैसे मिल पाए। हमें मेन फोकस अगर हम उस सेगमेंट पे कर रहे हैं कि उसे तो अपने घर से ही देखिए सरोकार है, कौन किसने कहाँ करप्शन किया और मतलब उससे ज़्यादा लोगों को मतलब भी नहीं होता। और वो लड़ाई लड़ने का मादा कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि वो ऐसी लड़ाई है जो आप हकों के लिए लड़ रहे हैं लेकिन कोई जाता नहीं। आपका मेन फोकस हमेशा घर पर रहता है। तो रेरा के भी प्रावधान हैं जहाँ पे एसोसिएशंस को क्रिएट करके जो प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है बिल्डर का, तो टेक ओवर किया जा सकता है थ्रू रेरा एसोसिएशन को, और वहाँ सरकार का नुमाइंदा भी वहाँ अपॉइंट करके उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने का प्रावधान है। अब बात आती है कि बिल्डर बायर्स ने पूरा पैसा दे चुके हैं बिल्डर को और बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रिवोक्ड है और अब लोग घर चाहते हैं। तो देखिए, हमें पैसा असल में हमारा इंटरेस्ट है उस घर को लेने का। उसमें कुछ मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो सिर्फ एक इंटरेस्ट और सिर्फ अपने एस्केलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, जो उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर के पैसा बनाना था, जिनको ये था कि अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग का है, 22 लाख का घर है, बनने के बाद में 40 लाख का हो जाएगा और मैं बेच दूंगा। तो वो तो देखिए उस चीज़ को तो हम इसमें लेते हुए नहीं, और मैं तो डिस्कार्ड करूँगा कि लोगों को इन इच्छाओं को देखते हुए ऐसी सरोकारी जो लोगों के लिए जो एक तबके के लिए बनाई गई पॉलिसी भलाई के लिए बनाई गई है, चाहे वो EWS है चाहे वो अफोर्डेबल है, ऐसे लोगों को उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। जो लोग हकदार हैं उन तक ये फ़ायदा पहुँचने देना चाहिए। और अब बात आती है वो घर कैसे मिले, तो प्रावधान हैं रेरा में भी जहाँ रजिस्ट्रेशन रिवोक होने के बाद में बिल्डर पे एक्शन होने के बाद में या बिल्डर भाग जाता है तो एसोसिएशन अलॉटीज़ की एसोसिएशन जो है वो उसे कैसे टेक ओवर कर सकती है और पैसा उसमें जो अब जो पेंडिंग वर्क है, आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जब ही मिलेगा जब आपकी फायर लाइन्स और सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर वे में कम्प्लीट होंगी। तो अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां आपका पैसा डूबने का खतरा है, तो अब आपको समझ से वो स्टेप लेना है कि मैं पूरा 100% पैसा डुबाने के लिए राजी हूं या मैं कुछ इसमें पैसा 20-30% एक्स्ट्रा लगा के, जिसकी कि रिकवरी एक ड्यू कोर्स में बिल्डर के द्वारा बिल्डर से की जा सकती है। तो फोकस लोगों को करना चाहिए उस घर को पाने का और रेरा के उन प्रावधानों के फ़ायदे उठाने का जिसमें एसोसिएशंस ऑफ अलॉटी उसको टेक ओवर कर सकती है, प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करा सकती है और अपने आशियाने का सपना पूरा कर सकती है। क्या कोई कानूनी ऐसा कोई वो नहीं है प्रावधान जिसमें कि उस बिल्डर पर सीधे सीधे जो बाकी उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अटैच करके वो वहाँ से रिकवरी करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करे, या फिर इसको करने में इस प्रोसेस में एक लंबा समय लगेगा, तब तक जो कंस्ट्रक्शन जितनी हो गई है वो खंडहर हो जाएगी? बिल्कुल, ये लंबे समय देखिए क्या होता है, कानून के अपने उनके भी अपने राइट्स हैं और ये एक डिले टैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। कोई भी आदमी, कोई भी मजबूत आदमी जो कानून को भी एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में अलॉटीज़ के बनस्बत, क्योंकि बिल्डर के पास में पैसा है, बिल्डर के पास में वो ताकत है, वो ताकतवर है आपसे, तो आप एक लंबी लड़ाई को ना देखते हुए, एक उस चीज़ को ना देखते हुए कि वही सलाखों के पीछे हो, आपका मेन फोकस घर को पाना भी होना चाहिए और न्याय के लिए अगर किसी ने गलत किया है तो सलाखों के पीछे भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लड़ाई बहुत कम लोग लड़ते हैं। तो कम से कम घर की जो लड़ाई है कि वो घर कैसे हम पा पाएँ, तो उसके लिए आप रेरा के प्रावधानों का फ़ायदा उठाएं और वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ के टेक ओवर करने की कोशिश करें, जो कि आपका अगर 100% पैसा गया है तो 70-60% आने की उम्मीद तो बन जाती है और बाकी का जो बचा है वो एक रिकवरी का जो लंबी लड़ाई से आप अटैचमेंट आप केसेस के थ्रू होगा, वो जब उसको अब वो इंसॉल्वेंसी में है ये किस चीज़ पे है वो तो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है, इसका मकसद ये था कि अगर बिल्डर डिले करता है बनाने में, कुछ आनाकानी करता है या कुछ और इस तरह की हरकत करता है, तो उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को यूज करके उसको बना लिया जाए, लेकिन उस वही पैसा अगर गायब कर दिया जाए तो फिर क्या करेगा? बेसिकली एस्क्रो अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपका 70% जो आपका पैसा जो है बिल्डर उस अकाउंट में लेगा,
70% पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व है जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। देखिए प्रावधान बहुत हैं रेरा के, और क्योंकि वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि भाई उसे परमिशन लेनी पड़ती हैं कि आज मैं इस स्लैब पे इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहा हूं, तो वो सर्टिफिकेट्स वो आर्किटेक्ट्स के सबमिट करेगा जिस पे कि वो परमिशन लेगा उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने की, और उस अकाउंट को इस ट्रांसपेरेंसी के साथ में ऑपरेट करेगा। जहां आपने बात की गारंटीज़ की, तो वहां एक बैंक गारंटी ली जाती है 5% ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, जो कि DTCP डिपार्टमेंट रखता है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, और किसी भी ऐसी कंटीजेंसी को मेट करने के लिए वो 5% रखा जाता है। तो जब बिल्डर वो चीज़ कर नहीं रहा और आप एक अच्छी लड़ाई लड़के एसोसिएशंस के थ्रू टेक ओवर करते हैं, तो वो 5% का पैसा आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो बैंक गारंटी के तौर पर DTCP डिपार्टमेंट के पास में जमा है। और एस्क्रो अकाउंट का प्रावधान तो यही है कि भाई आपका 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज़ किया जाए जिस प्रोजेक्ट के लिए वो डेडिकेटेड अकाउंट खोला गया है, और वो परमिशंस के थ्रू ही विड्रॉ होता है। तो जब सरकार और एजेंसीज़ अगर एक ट्रांसपेरेंसी में काम करती हैं, तो प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर कंप्लीट भी होता है। और ये अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं कि बिजनेस उस बिल्डर की फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ क्या हैं, और सरकार ने जो प्रावधान हैं उनको कितने अच्छे और साफ गोई के साथ में लागू किया है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ ये समझा जाए कि अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो उसमें अब यहाँ जो भी जिन खरीदार हैं उन्हें एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एक एसोसिएशन वो बना लें अपनी, और वो एसोसिएशन रिप्रेजेंट करे उस प्रोजेक्ट को रेरा में जाके, हरेरा पे जाके, अगर हरियाणा का है या देश में कहीं है तो रेरा में जाके, कि वो अब इसको प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और उसमें जो भी ऐड करना है पैसा उस पैसे को ऐड करें, और अब जो कानूनी लड़ाई आपने लड़नी है वो पैरेलल उसके साथ साथ लड़े, कम से कम कुछ पैसा डालकर आप उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। जब तक पूरा होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखिए लोगों को ये जानकारी बड़ी ज़रूरी है कि जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ है, बिल्डर बाध्य है वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ जैसे ही बुकिंग आती हैं मेजॉरिटी, मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है जहां 600 यूनिट हैं उस प्रोजेक्ट में, तो 300 से आंकड़ा जैसे ही बढ़ेगा, बिल्डर बाध्य है 3 महीने के अंदर में एसोसिएशन ऑफ अलॉटी क्रिएट करके उन एसोसिएशन ऑफ उन मेंबर्स को सुनिश्चित करेगा, उन मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ बन गई है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर उस जागरूक इन्वेस्टर या जागरूक अलॉटीज़ से या जो घरों के लिए आवेदन करते हैं कि आप कम से कम इंश्योर करा लें ये चीज़। जैसे ही अलॉटमेंट पे आती है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बिल्डर को बना के देना है, ये रेरा के प्रावधान है और जिसका फ़ायदा लोगों को लेना चाहिए, और उसके थ्रू आप बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ का बेनिफिट है कि जो कॉमन जो सभी के मिले जुले अधिकार जिसमें हैं, एक प्रोजेक्ट जैसे खड़ा होना, ये सभी का एक कॉमन अधिकार है वहाँ पर, और उसको इंश्योर कराने के लिए अब रेरा के प्रावधानों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलता है कि आपके टाइल्स आपके किस क्वालिटी के होंगे, कौन सा मेक होगा, आपके घर में जो नलके हैं, जो जिस भी किस्म के जो फर्नीचर या फिक्स्चर्स जो लगाए जाएंगे, टॉयलेटरीज जो लगाई जाएंगी, उनके मेक्स एंड और उनके ब्रांड्स तक सुनिश्चित किए जाते हैं जब रेरा का लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हैं। और एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज होगी तो वो जानकारी वहाँ से हासिल करें आप लोग रेरा से कि हमारे को क्या जो रेरा लाइसेंस में दिया गया है तो क्या इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दी हैं, और उसको इंश्योर कराए वो जागरूक लोग। उस हकों की लड़ाई आपको कंस्ट्रक्शन शुरू होते ही लड़नी है, जो कि हम देर कर देते हैं जब वो बिल्डर मना कर देता है, और फिर दिक्कत तकलीफ में हजारों परिवार आ जाते हैं क्योंकि अपनी गाड़ी कमाई लगा चुके हैं, सपने ये देख चुके हैं कि जल्द अपने परिवार के साथ उस छत के नीचे होंगे जो उन्होंने एक उम्मीद के साथ खरीदी थी या उसमें जो पैसा लगाया था, लेकिन फिर वो उम्मीद ऐसी टूटती है कि फिर समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, और तमाम इसी तरह की जानकारी के साथ रिपोर्टर जी द इंडियन प्रॉपर्टी बाज़ार में आपके साथ आता रहेगा। हमारे साथ जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं एडवोकेट जगदीप शौरान जी, आपके साथ अगले एपिसोड में हम बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम किस किस मुद्दे पे बात करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे, वो भी एक बार अगर हम अनाउंस यहाँ पर कर दें ताकि कुछ अगर किसी के कोई सवाल हो तो उस एपिसोड में हम उन्हें भी ले सकें। देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारे लोगों को छूती है ये पॉलिसी।
सरकार के बेहतर कदम हैं। देखिए क्या होता है, जन भागीदारी जब तक जिस कार्य को पूर्ण कराने में नहीं होगी तो वहाँ हम कहीं ना कहीं इस तरीके के धोखे खाते हैं। आपको प्रावधानों से अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है कि किस प्रकार के प्रावधान हैं। रेरा एक्ट अपने आप में एक, देखिए जो कहते हैं कि बहुत वो क्या है, एक शेर याद आता है कि हज़ार बरस नरगिज़ अपनी नूरी को रोती है, जब जाके होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो ये इस किस्म का एक्ट है। मैं लेजिस्लेटर्स की सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। द लेजिस्लेटिव इंटेंट जो इस एक्ट का है वो है कि बिल्डर को पनिश करना। मैं ये दोहराता हूँ कि उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट है उन सभी बिल्डर्स को पनिश करना जो समय पे लोगों के घरों को नहीं मुहैया कराते हैं। तो इतना बड़ा लेजिस्लेटिव इंटेंट जहाँ बिल्कुल अलौटी के साथ में चलता है और ये इसको रेगुलेट करता है रियल एस्टेट सेक्टर को। ये हर आदमी को चाहिए जो अपने सारी ज़िंदगी की कमाई इन्वेस्ट कर रहा है। ये कुछ पन्नों के एक्ट होते हैं जिनको आप, उन प्रावधानों को अगर आप देख लें तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपको किसी भी एडवोकेट की भी इतनी ज़रूरत रह जाएगी। बड़े ही सरल भाषा में उस इंटेंट को एक्सप्रेस किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तो बिल्कुल ही कुछ ही पन्नों की है, लेकिन इतनी सुंदर पॉलिसी कि लोगों को वो हक मिल सकें इस मिलेनियम सिटी में और ऐसी हर उभरती हुई सिटी में गरीब अपने एक घर का अधिकार पा सके। तो सरकारों की जो नीयत है वो बहुत अच्छी है। जन भागीदारी की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट्स को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, समय पे शिकायत करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग ये सब किस्म की गड़बड़ ना देखें। बड़ा दुख होता है जब चौराहों पे लोग तख्तियाँ लेके घूमते हैं। तो न्याय चौराहों पे नहीं मिलेगा, न्याय सिर्फ न्याय के मंदिर अदालतों में मिलेगा। और अगर आप जागरूक हैं तो यकीन मानिए आपको तख्ती कभी नहीं उठानी पड़ेगी, ना ही अदालतों के दरवाजे या चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम अफोर्डेबल पर ही बात करेंगे। और इसके अलावा एक जो अहम बात है, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्लैट के अलावा जब अफोर्डेबल जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, पार्क की बात करें, स्कूल की बात करें, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इस पर एक विस्तार पर अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। और मेंटेनेंस का भी एक इशू हमेशा से रहा है, अभी तक उसको लेकर क्लैरिटी नहीं हुई है। तो ये तमाम अफोर्डेबल से जुड़े हुए कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। वो आपको अगर डे वन से पता होगा तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। आपको समझ में आएगा कि आप जब एक अफोर्डेबल में पैसा लगा रहे हैं, घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आपके हक कौन कौन से, आपके अधिकार कौन कौन से। तो फिलहाल द इंडियन प्रॉपर्टी बाजार में इतना ही। और रिपोर्टर जी के इस वीडियो को अगर आप, रिपोर्टर जी का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि नीचे जो आपको मेल आईडी दिख रहा है reporterji.in@gmail.com, इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं अफोर्डेबल से जुड़े हुए, ताकि अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम एडवोकेट जगदीप शोरान जी से उन सवालों के जवाब भी आपके लिए ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, थैंक यू।